Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग. आज के साथ मैं हूं अरम काजमी और मैं हूं सबाशी. आज मंगल है 12 सितंबर और आज का दिन खबरों और बातों के साथ साथ मुस्कुराहटों का एक्स्ट्रा डोज लेकर आया है. आज का दिन शायकीने क्रिकेट बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए ही एक ईद का दिन है. पूरे 8 साल बाद मुल्क में बिलाकर इंटरनेशनल सितारे जमकर चमकेंगे तो एक बार फिर से सीटी बजेगी, खेल जमेगा, ताली बजेगी और सेज सजेगा. बिल्कुल खुश आमदीद वर्ल्ड 11 आलमी क्रिकेट के सूरज चांद सितारों की लाहौर आमद. शायकी ने क्रिकेट का जज्बा और जोश उरूज पर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए वर्ल्ड 11 आजादी कप में शिरकत के बायस क्रिकेट फीवर हाई. वर्ल्ड 11 में शामिल प्लेयर्स पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की तारीखी मौके पर इसका हिस्सा बनने पर खुश हैं. वर्ल्ड 11 का दौरा मुल्क में आलमी क्रिकेट के दरवाजे खोलेगा. बिल्कुल जनाब, और न सिर्फ दरवाजे खोलेगा बल्कि दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी लोग न सिर्फ खेल से बल्कि खिलाड़ियों से भी बेहद मोहब्बत करते हैं. तीन T20 मैचेस पर मुश्तमिल आजादी सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा और मजे की बात यह है कि इन मैचेस में दी जाने वाली परफॉर्मेंस से इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की रैंकिंग में कमी बेशी भी होगी. तो जनाब आई विश बोथ द टीम्स ऑल द बेस्ट. कजाफी स्टेडियम में आज लगेगा रौनक मेला. लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने के लिए एक्साइटेड. छक्के, चौके और नारों की गूंज में पाकिस्तान से आज दुनिया भर को एक बार फिर अमन का पैगाम जाने को है. इस हवाले से लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं. शायकी ने क्रिकेट समेत वर्ल्ड 11 के खिलाड़ी भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं जबकि कौमी क्रिकेटर्स ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली है. तो वर्ल्ड 11 पे होगी बात. न्यूज मॉर्निंग शो में होंगे साथ स्पोर्ट एनालिस्ट और साथ साथ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे. सियासत के मैदान से और सोशल खबरों में होगी बात ब्लू वेल की कि क्या ये गेम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. तो ये सब स्टोरीज होंगी आज के शो का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज. लाहौर का हलका NA 120 जीत किसकी चौखट पर आएगी. सियासी अखाड़ा लगने में 5 दिन बाकी रह गए. नून लीग का मुकाबला PTI से होगा या अदालती फैसले से. जमात इस्लामी एहतसाब के लिए सड़कों पर आ गई. क्या नवाज शरीफ के बाद पनामा में आने वाले दीगर लोगों का एहतसाब होगा. और सोशल मीडिया पर सराहा और लूडो स्टार के बाद अब ब्लू व्हेल का चर्चा. क्या हकीकत, क्या फसाना. पाकिस्तानियों ने खौफ की अलामत खेल को मजाक बना दिया. ये सब स्टोरीज जनाब आज के शो में डिस्कस की जाएंगी. और मैं तो जनाब बहुत एक्साइटेड हूँ क्रिकेट को लेकर क्योंकि आज क्रिकेट की ही गूंज हर तरफ सुनाई देगी और मुख्तलिफ शहरों से भी डेफिनेटली हम लोग जानेंगे अहवाल के वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है खास तौर पर लाहौर में. लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज के अखबारों पर. जी अनम, अखबारात में आज क्या मेन लीड है. तो अखबारात में आज जो मेन लीड है वो डेफिनेटली जंग मेरे पास है और जंग में शरीफ फैमिली के हवाले से खबर लगी हुई है कि शरीफ फैमिली 3 रुकनी बेंच पर एतराज. नजर स्वानी दरख्वास्त की समाअत 5 रुकनी बेंच करे. आज की कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा. 2 रेफरेंस पर रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत का एतराज वापस कर दिया है. तो बिल्कुल नैब का जो फैसला है उसके ऊपर शरीफ फैमिली की 3 रुकनी बेंच पर एतराज के हवाले से जंग में मेन लीड लगी हुई है. अच्छा जनाब, एक्सप्रेस उजनामा की अगर मेन खबर की बात करें तो शाहिद नबासी के अहम बयान के ऊपर है वो, और वो ये है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां खुद अमरीका के लिए नुकसानदेह होंगी और अगर हमें फौजी इमदाद ना दी गई तो हम चीन और रूस से जो है वो हथियार लेंगे तो ये अमरीका के लिए खुद भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है. साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जाने वाली कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाए. और साथ साथ अफगानिस्तान के हालात के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि इसका जिम्मेदार खुद अमरीका है लेकिन इस तमाम तरह का मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है. और आज इसी को एक्सप्रेस रोजनामा ने अहम और मेन लीड बनाया. ठीक है, अच्छा आपने अमरीका के हवाले से शुमारी
कोरिया का जिक्र किया तो अमेरिका में करारदाद मंजूर कर ली गई है और अब शुमाली कोरिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा। साथ साथ जो है वो यूएनओ ने भी उसके हवाले से काफी हामी भरी है इस हवाले से और यही कहा गया है कि जो शुमाली कोरिया को जो है नजरसानी करने की जरूरत है, जो उसने हाइड्रोजन बम तैयार किया गया है। तो आज की आम खबर ये भी है और अगर मैं जंग की मेन लीड पढ़ूँ तो इसमें है तहरीक इंसाफ ने 4 साल से इलेक्शन कमीशन को अखाड़ा बनाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा कहते हैं 18 सितंबर तक फंड्स की तफसीलात ना दी तो मौकफ तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम खबर यह है कि आज उनकी नाहली केस की समाअत है और चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में ये नाहली केस की समाअत हो रही है। 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा और अगर 18 तारीख तक उन्होंने पूरे पार्टी फंडिंग केस के जितने भी पेपर्स हैं उस हवाले से दस्तावेजात नहीं दी तो फिर एक तरफा फैसला हो जाएगा। बिल्कुल सलाम। पीटीआई के हवाले से तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटर पार्टी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा सामने आ रही है और अपने ही जो उनके कारकुनान है उनकी जानिब से ऐसे ऐसे बयान इमरान खान के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या होता है अदालत में। और डेफिनेटली इमरान खान को जो है वो आज उनके केस की भी समाअत होगी, तो लेट्स सी ये केस जो है वो आगे किस तरह से अनफोल्ड होता है। दो फैसला जो है वो पहले से ही महफूज हुआ है। अच्छा जनाब, यहाँ की आज अगर मुख्तलिफ और खबरों की बात करें तो एहतसाब अदालत की जानिब जहाँ पर हम जानते हैं कि रेफरेंसेज भेजे गए थे, उन रेफरेंसेज के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ के पेज मिसिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जो है वो इस रेफरेंस में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शरीफ फैमिली के खिलाफ जो रेफरेंसेज दायर किए गए थे उनमें गलतियों की वजह से इन रेफरेंसेज को वापस भेज दिया गया है और कहा जा रहा है कि जनाब दोबारा से इन तमाम रेफरेंसेज को ठीक करके और मुकम्मल तौर पर जो है वो दोबारा भेजे जाए। 14 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट दी गई है। तो अब क्या वजह है जनाब कि इतनी ज्यादा गलतियां इसमें आई हैं और रेफरेंसेज जो सामने पेश किए गए हैं उनमें भी काफी ज्यादा कोताहियां देखने में मिली है, तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर उठता है और यही खबर जो है वो आज एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज में जो है वो उसको जगह ठीक है। अच्छा, और एक और अहम खबर है कि आज वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने इजलास तलब किया है और ज़राए के मुताबिक 5 बजे हाउस ये इजलास जो है वज़ीर आज़म हाउस में होगा और फिर उसमें जो है मुल्की सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन की जाएगी, खारजा पॉलिसी के हवाले से बातचीत की जाएगी। तो ये एक अहम इजलास है और अगर शॉर्ट न्यूज़ में शामिल करूँ तो दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए ऐसा कहता है चीन, जबकि मुस्लिम ममालिक रोहंग्या मुसलमानों के लिए इमदाद का ऐलान करें ऐसा कहा गया है कौमी असेंबली में। और रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में ओवरऑल पाकिस्तान में इनकी इनसे एहतजाज करने के लिए जो है तमाम जगह पे मुजाहरे किए जा रहे हैं और इनकी जुल्म को बंद करने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जनाब, और कुछ अहम दौरों का भी जिक्र कर लेते हैं। इस पर कहा जा रहा है कि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जो है वो 14 सितंबर को स्वी का दौरा करेंगे, जबकि आज आपको बताएंगे शहबाज शरीफ का भी कहा जा रहा था कि वो लंदन से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई इतला जो है वो अब रद्द होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब टर्की जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे और गए भी थे वो अपनी भाभी की इयादत करने के लिए, लेकिन इस वक्त काफी तनकीद हो रही है नवाज शरीफ को भी। लेकिन खुर्शीद शाह का एक बयान है जो कि बड़ा अहम है इस हवाले से वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे कि अहलिया की बीमारी की आड़ में नवाज शरीफ का वापस ना आना ठीक नहीं है। खुर्शीद शाह ने भी तनकीद कर दी है जनाब और काफी लोगों की नजरें भी हम देख रहे थे कि इस तमाम सिनेरियो के ऊपर नवाज शरीफ पर थी कि जी जैसे ही रेफरेंसेस दायर हुए उन्होंने अपने आने का फैसला जो है पाकिस्तान वापस आने का फैसला जो है उसको भी कैंसिल कर दिया। तो ये जो है वो आज एक्सप्रेस की अहम खबर है। ठीक है, अगर बिजनेस रिकॉर्डर की मैं खबर शेयर करूँ तो बिजनेस रिकॉर्डर से जो है वो जो मेन लीड लगी हुई है वो है कि पीएम वॉन्ट्स यूएस सैंक्शंस वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव और दूसरा फॉरन मिनिस्टर मीट्स ईरानियन लीडरशिप एज पार्ट ऑफ पॉलिसी रीसेट। तो ये पॉलिसी रीसेट के हवाले से जो है वो यहाँ पर मेनली लगी हुई है। तो ये तो थी आज अखबारात की अहम खबरें और अब ये तमाम खबरों के बाद डॉन की कुछ अहम खबरें भी शामिल कर देते हैं। पाकिस्तान ईरान सीक्स पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू अफगान कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ जो है उनकी मुलाकात हुई है ईरानी सदर हसन रूहानी से और इसमें उन्होंने ना सिर्फ मुल्की हालात के ऊपर बातचीत की जो इस वक्त खत्ते की मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की है, ट्रंप की जानिब से जो बयान सामने आए उस पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया और सबने इस चीज़ का फैसला और हल यही निकाला है कि इलाकाई जो खत्ते की जो इलाकाई तौर पर हम इसके हल निकाल सकते हैं वही बेहतर तरीका है, बजाइए कि बैरूनी दबाव इस वक्त डाला जाए और अफगान मसले का हल निकाला जाए। तो जनाब ये खबर जो है वो आज डॉन ने भी अपनी मेन लीड बनाई, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस का भी अहम बयान जो अभी आपके साथ सभा ने शेयर किया वही आज डॉन की अहम खबरों में से एक था। ठीक, तो ये थी जनाब आज की अहम खबरें। अब हम रुक करेंगे मुख्तलिफ शहरों का और मुख्तलिफ शहरों में सबसे पहले कहां जा रहे हैं सभा? मुख्तलिफ शहरों में अच्छा चलिए जी इस्लामाबाद चलते हैं और वहां जानते हैं कि क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं और कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमें बताएंगे हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रजाक। जी वसीम रजाक, अपडेट कीजिए। वसीम आपको आवाज आ रही है? वसीम
चलें जी, वैसे हमारा रास्ता नहीं हो पा रहा तो हम लाहौर चलते हैं और लाहौर में हमारी आश न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद हैं और हुमा भट्ट से जानते हैं कि हुमा भट्ट, जैसे कि NA 120 का मामला है तो बहुत ज्यादा सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, क्या सूरत हाल है लाहौर? पहले क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट की अपडेट दीजिए जल्दी से, बताइए क्या क्या तैयारियां की गई है हुमा? जी बिल्कुल, NA 120 तो आज बिल्कुल कोई नहीं याद करेगा, आज मेन मुद्दा है वो है कजाफी स्टेडियम में होने वाला पाकिस्तानी टीम और वर्ल्ड 11 का जो मैच है उसके लिए यकीनन आज तो सारे के सारे लाहौरी जो हैं वो जो कुछ तो होंगे यकीनन कजाफी स्टेडियम के अंदर और कुछ देखेंगे टीवी स्क्रीन के सामने, वो स्टूडेंट स्पेशली जो कि कल तक तो इंतज़ार कर रही थी कि मैच हो और आज वो यकीनन जल्दी कोशिश करेंगे कि वो अपने कॉलेजेस और स्कूल से जल्दी से वापस आएं और टीवी के सामने बैठ जाएं और जो मैच है उसको देखें। इसके लिए तैयारियां जहां पर तमाम हुकूमत की तरफ से की गई हैं उसी तरह जो लाहौरी हैं और स्पेशली जो बाहर से आने वाले हैं, ना सिर्फ लाहौर के बल्कि पंजाब समेत दीगर इलाकों से जो यहाँ पर आ रहे हैं लोग, उनके लिए भी यहाँ पर खसूसी इंतजाम किए गए हैं। शटल सर्विस जो है वो उसका आगाज़ किया गया है पार्किंग से लेकर कजाफी स्टेडियम तक, 8 पार्किंग पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ पर और इसके अलावा बहुत सी अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और जो मेन अगर बात की जाए तो मॉल रोड जो है वो भी इस वक्त कम्प्लीटली जो है जैम पैक है, वो वाला एरिया स्पेशली जहाँ पर मकामी होटल में वर्ल्ड 11 की टीम जो है वो ठहरी हुई है। कल भी यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच भी किया गया था और आज यकीनन जब मैच होगा तो सब के सब यहाँ पर देखने के लिए जाएंगे और इंतज़ार करेंगे। कोई डुप्लेसी का इंतज़ार कर रहा है तो कोई मोहम्मद आमिर का इंतज़ार कर रहा है, कोई इमरान ताहिर को देखना चाह रहा है, बस इसी तरह की यहाँ पर कोशिशें हैं और इंतज़ार बेसब्री से 7 बजने का किया जा रहा है। ये बताइए आज के मैच की, और मैं तो सुन रही थी कि शायद आज के दिन भी टिकट्स मिलेंगी, तो क्या ऐसी बात है? जी बिल्कुल, टिकट मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है और मीडिया को पासेस मिलते हैं तो मीडिया यकीनन पासेस के थ्रू अंदर जा सकता है, ये हमारे लिए खुशखबरी है। और जो टिकट्स का सिलसिला है वो अभी भी जारी है, 15 सितंबर को जो होने वाला मैच है उसके लिए आज से टिकट्स का आगाज हो जाएगा और वो 13 सितंबर तक वो टिकट्स जो हैं 15 सितंबर के मैच के लिए वो जारी रहेंगी। बाकी जो टिकट्स हैं 13 सितंबर तक की वो कल तक की थी, 13 सितंबर का जो मैच था और उससे पिछले जितनी भी टिकट्स थी वो जो जो खरीद सका वो तो बहुत खुश होगा, जो नहीं खरीद सका वो यकीनन टीवी स्क्रीन के सामने ही इस वक्त बैठेगा और टीवी स्क्रीन पर ही देखेगा। जिसको टिकट मिली वो भी और जिसको टिकट नहीं मिली वो भी, उसका जज्बा जो पर है टीवी पे बैठ के देखें, स्टेडियम में बैठ के देखें, डेफिनेटली आज गर्मा गर्म मैच होने वाला है शायकीन क्रिकेट और साथ साथ वर्ल्ड 11 भी जो है उनका जज्बा भी बड़ा हाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड 11 के आने से बैन अलाक्वामी तौर पर जो हमारे क्रिकेट के जितने भी दरवाजे हैं वो खुलने वाले हैं। इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद में क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी वसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो पानामा फैसला था जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस जिसको कहा गया है, जिसके एक बहुत ज़्यादा दिनों तक इसकी समाप्त होती रही है, आज उस पर साबिक वज़ीर आज़म और उनके जो बच्चों की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, आज उनकी समाप्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। ये जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई हैं ये 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई, इसके साथ साथ जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो फैसला था उसको भी इसमें चैलेंज किया गया। लेकिन आज जो समाप्त हो रही है, कल मरियम नवाज और हसन और हुसैन की जानिब से एक नई एप्लीकेशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह कहा गया है कि अगर 3 रुकनी जो बेंच है ये 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो फैसला है उस पर नजरसानी जो है वो नहीं कर सकता, इसलिए ये जो केस है इसको समाप्त के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। आज इस केस की समाप्त 9:30 बजे शुरू होगी और जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाप्त करेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें इमरान खान नाअहली केस की, उसकी समाप्त भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, उसकी समाप्त आज 11:30 बजे होगी, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाप्त करेगा। तीसरा बड़ा केस जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है वो है क्वेटा कमीशन जो रिपोर्ट थी और साना क्वेटा के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी उस पर आज समाप्त होगी, वो 3 रुकनी जो बेंच है जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में वो इस केस की समाप्त करेगा। इसके अलावा जो नैब ने रेफरेंसेज दायर की हैं एहतसाब अदालत में, आज जो इजाफी एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वो अपने जो साहब अदालत के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर जो मजीद दस्तावेज
कागजात जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ एनए सेशन आज हो रहा है, सेनेट सेशन है और फॉरन अफेयर्स की कमेटी है और सऊदी असद उमर आज पेशावर मोड़ जहां पर आग लगी थी, पेशावर मोड़ जो बाजार है वहां पर उसका दौरा करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा केस है नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दायर की गई है उनकी समाप्त आज 9:30 बजे होगी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से और अहम केसेस की समाप्त जो है वो आज इस्लामाबाद में होने जा रही है। मजीद भी कुछ खबरें हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत से तज्जिए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हलका एनए 120 के हवाले से, जिसमें सियासी अखाड़ा अब लगने लगा है, जोश और जज्बा उरूज पर है। 5 दिन बाकी रह गए हैं और ये सियासी अखाड़ा लगेगा मुस्लिम लीग नून की कुलसुम नवाज और पीटीआई की यासमीन राशिद के दरमियान। मैदान में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को पीटीआई से मुकाबले से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करार दे रही है। 17 सितंबर को लाहौर में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त एनए 120 पर जमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। हलके में मजबूत उम्मीदवारों में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसुम नवाज नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ की यासमीन राशिद से होगा। दोनों जमातों की जानिब से एनए 120 में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। पीटीआई की यासमीन राशिद घर घर जाकर वोटर से हिमायत मांग रही हैं, जबकि नून लीग की जानिब से उम्मीदवार कुलसुम नवाज की बेटी मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। बेगम कुलसुम नवाज तबीयत की नासाजी के बाइस लंदन में जेरे इलाज हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने इस जमनी इलेक्शन को पीटीआई से मुकाबले से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवामी रेफरेंडम करार दिया। इससे कबल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी अपनी नाहेली के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को शदीद तनकीद का निशाना बना चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का दावा था कि अदालती फैसले और नवाज शरीफ की नाहेली से मुल्की इदारे और जमहूरियत कमजोर हुई। अपोजिशन जमातों बिलखसूस तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद को आड़े हाथों लिया और अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। इस सियासी दंगल में यकीनन एक बाजी ले जाएगा और एक की होगी मात, लेकिन दोनों सूरतों में जीत जमहूरियत की होगी और इदारे मजीद मजबूत होंगे। इसी हलके के हवाले से बात करें तो लाहौर के कौमी असम्बली के हलके एनए 120 में सियासी महाज रोज बरोज गर्म होता जा रहा है और तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग भी हम देख रहे हैं कि बड़े जोरों शोरों पर है। 17 सितंबर को एनए 120 में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, आज मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। साथ साथ बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि एक अहम हलका है, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर कितना दबाव होता है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात है जो मीडिया ने भी इसको इग्नोर किया और इसी तरह हमारे सियासी रहनुमाओं ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी कि कल उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने जो पाकिस्तान के बारे में जुमले कहे वही जुमले अल्ताफ़ हुसैन ने कहे थे, तो उसको तो उन्होंने आपके पूरे मुल्क में मुकदमे दर्ज करवा दिए। लेकिन मरियम नवाज जो है अभी तक कैंपेन चला रही है, उन्होंने ये कहा कि हमें ये पाकिस्तानी नामंजूर है। जिस पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नहल कराया अब वो पाकिस्तान नामंजूर है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा क्यों शुरू किया गया जी? उसको उसकी इजाजत कैसे मिल गई कि उसने इतनी बड़ी अहम बात कहती? ठीक है बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि तो ये किसी मीडिया ने ख्याल नहीं किया जी? बिल्कुल इतना बड़ा उसने पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया, उसने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर हमला कर दिया, उसने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। एक एक आदमी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको नहल करार दे रही है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान को नहल करार दे दिया। बिल्कुल कवर साहब, इसी चीज पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि हमने देखा कि पहले मैं तो कह रहा हूँ कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको अल्ताफ़ हुसैन के बराबर खड़ा कर दिया जाए जी। अच्छा सर बिल्कुल, आप मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे हैं, आप मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। मरियम नवाज की जरूरत कैसे होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की?
जी अच्छा सर ठीक है, मीडिया के वाले से आप बात कर रहे हैं तो चलें, अगर आपको लगता है कि मीडिया ने इसको इग्नोर किया या मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया तो डेफिनेटली हेडलाइंस भी लगती हैं और मीडिया जो खबर होती है उसको उसी तरह प्रेजेंट करता है। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से मजीद दो बड़े उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार अब बैरून मुल्क हैं और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ऐसे में कोई कानूनी पेचीदगियाँ तो जन्म नहीं ले सकती हैं? नहीं बात ठीक है, वो कलसो नवाज साहब बीमार है और सब उसके लिए दुआगो हैं, वो बड़ी पाकिस्तानी जहन के खातून हैं, वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं, उन्हें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है जी। लेकिन मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि उनकी बेटी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है जी। उसकी उसकी वो जब बेनजीर भुट्टो जान बैग हुई तो जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और मरियम नवाज का वालिद नाहल हो गया, उसको फांसी नहीं दी गई, उसको सजाए मौत नहीं दी गई, उसको एक नाहिल करार दिया गया, करप्ट आदमी है वो, उसको वो कह रही है मुझे पाकिस्तान ना मंजूर है जी। अच्छा अच्छा खबर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि इसी हवाले से हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पहले मोहम्मद नवाज शरीफ भी जो है वो अदलिया मुखालिफ बयान दे चुके हैं और अब हम देख रहे हैं कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी इस किस्म के बयान दे रही है जिससे तौहीन अदालत का ही गुमान होता है, तो आपके ख्याल में अदालत को इस सब पर कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, ठीक है वो अदलिया को तजीक कर रही है, करते रहे, खामोश रहे, सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे हमला कर दिया तो फिर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेते हुए अपनी कार्रवाई करनी चाहिए जी। अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, यानी इतना बड़ी वो शहजादी हो गई है कि जो मर्जी पाकिस्तान के बारे में बात कर दे। अच्छा ठीक है, अगर कोई पंजाबी पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो कोई एक्शन ना लिया जाए, अगर कोई सिंधी बात करता है तो उसको आप सजाए मौत दे देते हैं जी। अच्छा ठीक है कंवर दिलशाद साहब, ये हमारी अदलिया काम, हमारी अदलिया काम है, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला कर दिया उसने, ये इलेक्शन कोई वैल्यू नहीं है, इलेक्शन वो जीत जाएंगे, सारी गवर्नमेंट के पास खड़ी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कोई आदमी खामोश कोई बोलता नहीं जी। ठीक है अच्छा कंवर दिलशाद साहब, मरियम नवाज के अलावा भी कुछ बात करते हैं और आप क्या समझते हैं कि एनए 120 का जो ज़मीनी इलेक्शन अब होने जा रहा है 2018 के आम इंतखाबात का ये मंजरनामा हो सकता है, मतलब जो भी नतीजा आएगा हो सकता है कि वो 2018 के आम इंतखाबात में भी कुछ इसी तरह का नतीजा मुतवक्के हो? नहीं इस पे बात यह है, बड़े आराम से तसल्ली से काम चल रहा है, सूबाई गवर्नमेंट जो है पूरी उनके साथ खड़ी है, हर ज़मीनी इंतखाबात तो जो होते हैं वो उसमें सूबाई गवर्नमेंट जो होती है या वक्त की हुकूमत होती है वो कामयाब होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसका असर 2018 के इलेक्शन पर नहीं पड़ना, ज़िमनी इंतखाबात का कौमी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं होता जी। अच्छा सर इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, एक बड़ा मुकाबला मुतवक्के है और मुमकिन है कि इलेक्शन के बाद धांधली की भी आवाज़ उठाई जाए, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम है या ट्रांसपेरेंसी का जो निज़ाम है इससे आप कितने मुतमइन हैं, कितना देखते हैं कि आप कितनी जिद्दत आ गई इस निज़ाम में? ये दरअसल हमारी जो वफाकी हुकूमत रही, ये माजी की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कानून साजी नहीं की, ठीक अगर ये कानून साजी कर लेते, क्योंकि बगैर कानून साजी के आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या बायोमेट्रिक जो होता है उसके बारे में आप नहीं कर सकते, इस पर कानून में तरमीम करनी पड़ती है, इंडिया ने भी बकाया पहले कानून में तरमीम की और इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका काम शुरू किया, तो हमारे इन्होंने 9 साल ज़ाया कर दिए जी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अगले इलेक्शन में 2023 में तो शायद कामयाब हो जाए, लेकिन अब तो मौजूद अब नए जो इलेक्शन होने हैं 2018 में ये आपके पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक ही होंगे, मैनुअल तरीके से होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हुकूमत ने टाइम जाया कर दिया। अच्छा ठीक, अब ये बताइएगा कि इस वक्त ये मुकाबला तो बहुत जो है वो कांटेदार होने जा रहा है और इस वक्त तमाम जो सियासी जमातें उन्हें यही उम्मीद है कि जी हमारी जमात जीत जाएगी, क्या समझते हैं आप अगर मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत जाती है तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है, उनके लिए कितना आम है इस इलेक्शन में जीतना? नहीं ये उनकी ठीक है कि उन्होंने अपना एक इसको ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया, उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कामयाब हो गए तो हम अदलिया को भी अरफाज पाकिस्तान को एक इबरतनाक जो है नक्शा पेश करेंगे, ये तुम्हारी हमने तुम्हें शिकस्त दे दी है, ये इमरान खान की पार्टी को शिकस्त नहीं हो रही, वो बिलवास्ता जो है इनडायरेक्ट तरीके से वो अदलिया और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं जी। अब इस इलेक्शन के बाद वह फौज पाकिस्तान और अदलिया का निशाना बनाएंगे तो जहर उसके नतीजे बाद सामने आएंगे।
चलें सर, थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब नतायज का ऐलान होता है तो कुछ नतायज कभी कभार स्पॉट पर ही बताए जाते हैं और कुछ नतायज इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इस दफा किस तरीके से होने जा रहा है, क्या इस दफा निजाम रहेगा, क्या ओवरऑल सिस्टम रहेगा? कंवर साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? कंवर साहब आप तक जी, कंवर साहब आवाज बताइए क्या हुआ? जी 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 कंवर साहब, आपसे ये पूछना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, उसके नतायज के हवाले से। डेफिनेटली तैयारियां तो कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं, साथ साथ में ये पूछना चाह रही थी कि कुछ नतायज जो हैं वो स्पॉट पर ही ऐलान कर दिया जाता है और कुछ नतायज का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाता है, इस दफा क्या तरीकाकार रहेगा ओवरऑल इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेटिंग पेपर्स का, और ओवरऑल क्या सूरत हाल रहेगी? उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन के इंतजाम बड़े साफ सुथरे हो रहे हैं। ठीक, उसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अब उस पोलिंग स्टेशन पर भी वो रिजल्ट जो है वो तमाम मीडिया के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 220 पोलिंग स्टेशन जो है उनका रिजल्ट इकट्ठा करने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवा देंगे, लेकिन प्रोग्रेसिव रिजल्ट प्रेजाइडिंग ऑफिसर के जरिए भी आप तक पहुँचता जाएगा। अच्छा, और ये रात 3-4 घंटे में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक, अच्छा कबर दिलशाद साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है, आप क्या समझते हैं कि अब जो ये ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं यास्मीन साहिबा हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की अहलिया हैं। इससे पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ और यास्मीन साहिबा जो है वो इस हलके से लड़े थे, तब भी नवाज शरीफ अगर जीत गए थे तो यास्मीन साहिबा को वोट बहुत ज्यादा मिले थे, उनका वोट बैंक काफी ज्यादा था। इस बार आप क्या होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मद्दे मुकाबले जो है नवाज शरीफ तो नहीं है लेकिन उनकी अहलिया जरूर है? उसमें सबसे बात यह जनरल इलेक्शन में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, निगरान हुकूमत थी, हुकूमत उसमें शामिल नहीं थी। इसके बाद इसलिए 50,000 वोट ले लिए यास्मीन ने, लेकिन अब क्योंकि पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इसमें मुलव्वस है, उनको बाकायदा अब 12,000 के लगभग उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए गरीब बच्चों को, चलो अच्छा हो गया उनको नौकरी मिल जाएगी इस बहाने। इसी तरह उनके और तमाम जो है मराद दी जा रही है, घरों घरों में जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, लेकिन इसके पूरी गवर्नमेंट जो है इसमें मुलव्वस है। इस लिहाज से यास्मीन को वोट जो है वो जनरल इलेक्शन से कम वोट मिलने के इम्कान है। ठीक है, पूरी गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, जो भी तज्जिया दिया कि पूरी गवर्नमेंट इसमें शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे NA 120 के हवाले से, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज शरीफ ने जो भी बयान दिए हैं, जो भी उन्होंने अपने खिताब में कहा है उसके हवाले से भी उन्होंने कड़ी तनकीद की, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पूरी गवर्नमेंट क्योंकि NA 120 के इस इलेक्शन में इन्वॉल्व है तो चांसेस कम है कि यास्मीन राशिद जो है वो जीत पाए या फिर उनकी जीत कुछ मुमकिन नजर आ रही है। बिल्कुल जना, बड़ी गर्मा गर्मी इस वक्त देख रहे हैं हम हल्का NA 120 में, एंड लेट्स सी के जो नतीजे हैं वो किसके फेवर में जाते हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, स्टे विद अस, बहुत सी बातें हैं जो अभी करनी बाकी है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि सलामती काउंसिल ने शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियों की नई करारदाद मंजूर कर ली है। सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की है। चीन और रूस ने भी करारदाद की हिमायत में वोट दिया है, जबकि अमरीका ने शुमाली कोरिया के हाइड्रोजन बम तजर्बे के बाद करारदाद पेश की थी। व्हाइट हाउस ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद में इजाफे की सख्त मजम्मत की है, जिसने 3 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश फरार होने पर मजबूर किया। तर्जुमान का कहना है कि दोनों तरफ से हमला बहुत ही परेशान कुन है। प्रेस सेक्रेटरी सारा बकाही सेंडर्स ने कहा है कि बर्मा के मौजूदा बुहरान से अमरीका को बहुत परेशानी हुई है, रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, और हम भी पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं सारे सब लोग मिलके कि जी रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम बंद होने चाहिए। और अमरीकी रियासत टेक्सस में फायरिंग के वाके में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई है। पुलिस चीफ का कहना है कि हमला जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। वाके की तहकीकात की जा रही है, और आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज हमलावर ने घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिनमें 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि 2 जख्मियों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को मुकाबले के बाद हलाक कर दिया था।
और नो डाउट अमरीका के लिए इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो यही है कि वहाँ पर शूटिंग जो है वो कुछ ज्यादा ही होती है, गन का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह के वाकया जो है वो आए रोज रिपोर्ट। इंटरनली ब्लैक और व्हाइट का जो वहाँ पे मसला है ना वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते हैं, आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा फैसले पर नजरसानी की अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस एजाजुल अफजल का कहना है कि अगर नजरसानी दरख्वास्त सुनकर जहन तब्दील किया तो 5 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील हो जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक। जी वसीम, क्या तफसीलात है समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। सलमान रकम राजा की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि 5 रुकनी फैसले के खिलाफ नजरसानी पहले सुनी जाए और 3 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी बेंच में जम हो गया था, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल खान की जानिब से कहा गया अक्सरीति फैसला 3 रुकनी बेंच के था, अगर 3 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील हो जाए तो 5 रुकनी का भी तब्दील हो जाएगा। सलमान रकम राजा की जानिब से कहा गया कि लार्जर बेंच के फैसले के अलग सवाल उठाए गए हैं और जस्टिस एजाज अहसन की जानिब से कहा गया कि अलग सवाल नजरसानी में 5 रुकनी से मुतल्लिक हैं। इससे कबल समाअत का जब आगाज हुआ तो सलमान रकम राजा की जानिब से कहा गया कि दोनों की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, 1 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ और 1 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई है और उन्होंने इस्तदा की कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो फैसला है वो जो दरख्वास्त है वो नजरसानी की वो पहले सुनी जाए, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा कि आप अपने दलाल का आगाज करें, अगर जो है 3 रुकनी बेंच ने अपना जहन तब्दील किया तो ऑटोमेटिकली जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है वो भी तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अक्सरीति फैसला जो था 5 रुकनी लार्जर बेंच का उसमें 3 रुकनी बेंच का जो फैसला था, 3 जो रुकन थे उसका फैसला जो है वो अक्सरीति था। अभी केस की समाअत जारी है। जी ठीक है, अच्छा इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिए। इस हवाले से मजीद पेशरफ अभी तक यही है कि समाअत शुरू हो चुकी है और समाअत का आगाज हो चुका है और ये भी कल मरियम नवाज और हसन हुसैन की जानिब से भी एक एप्लीकेशन पुट की गई थी और उस पर भी आज सलमान रकम राजा ने कहा कि उनकी जानिब से 2 दरख्वास्तें अलग अलग दायर की गई हैं और उन्होंने एक और दरख्वास्त पुट की है कि वो इस केस को जो 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने लगाया जाए। अभी केस की समाअत जारी है, मजीद क्या पेशरफ होती है इसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तफसीलात से। और जनाब, 2 नजरसानी दरख्वास्तें है और कहा जाता है कि जब भी नजरसानी अपील की जाए तो 90% तक आपकी वो अपील मुस्तरद भी हो जाती है। एनीवे, यहां पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। जी तो आपने देखा कि किस तरीके से दोनों टीम्स मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग भी तैयारी कर लें, कमर कस लें और आस्तीनें भी चढ़ा लें, क्योंकि आज मुकाबला है सनसनीखेज होने जा रहा है। और इसी मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज फाइनली बैन अलावा खिलाड़ियों के पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलने के लिए इस वक्त तमाम ही कौम जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या कहना है आपका, क्या समझते हैं आप, बैन अलावा क्रिकेट मुकम्मल तौर बहाल हो गई है या अभी भी कोई कसर बाकी है? हम सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यकीनन ये एक पहला कदम है पाकिस्तान से बैन अलावा क्रिकेट की वापसी के हवाले से, क्योंकि जिस तरह के जिस लेवल के खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान आए हैं, जिसमें चाहे हाशिम हांबला, फाफ डुप्लेसी, जॉर्ज बेली, टिम पेन, बहुत सारे टॉप के क्रिकेटर तमीम इकबाल, ये सारे जो हैं ये बैन अलावा सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं और इन टॉप स्टार्स के पाकिस्तान में आने पर, इनके एक्शन में नजर आने पर यकीनन न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के शायकी में क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, बल्कि उनके हौसले बुलंद होंगे और बैन अलावा सतह पर एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में बैन अलावा क्रिकेट जो है वो वापस आ सकती है। 3 मार्च 2009 के बाद से पाकिस्तानी शायकी में क्रिकेट अपनी सरजमीन पर स्टार क्रिकेटर्स को एक्शन में देखने के लिए बेचैन और बेताब है, तो लगता है यही है कि आज शाम 7 बजे ये बेचैनी, ये बेताबी खत्म होने को है। लेकिन अगर वर्ल्ड 11 के 3 मैचेस को हम देखें तो मुकम्मल तौर से ये नहीं कहा जा सकता कि बस अब अगले महीने या चंद माह में कोई गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आ जाएगी, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन ये एक बड़ी खुशहाली बात है और बड़ा अच्छा कदम है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की आज बहाली होने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस नहीं होगा कि एक महीने बाद फिर से जो है वो इंटरनेशनल टीम्स वापस आने लगेंगी, लेकिन जिस जिस तरीके से ये प्लेयर्स जाएंगे अपने ममालिक में, जैसे कि डैरन समी ने जाके बहुत जबरदस्त परसेप्शन जो है क्रिएट किया अपने मुल्कों में, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। अच्छा, ग्रीन शर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए और मुवाजना किया जाए उसका वर्ल्ड 11 के साथ ही, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस वक्त ज्यादा स्ट्रांग है? प्रैक्टिस सेशन तो पाकिस्तान टीम के भी चल रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान की टीम है जी, टीम में मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी हैं जिसमें 5 साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, 3 ऑस्ट्रेलियन हैं, फिर न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, उनका उनको जन्म होने में जी। और पाकिस्तान की टीम जो है वो एक बेस्ट टीम है, 18 जून चैंपियंस ट्रॉफी की थी, उसके बाद कोई मैच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को थोड़ा सा होम ग्राउंड, होम क्राउड और अपने कॉम्बिनेशन का एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ तो वर्ल्ड इलेवन में जो खिलाड़ी हैं, जो उनकी बैटिंग लाइनअप है, हाशिम आमला जैसा दुनिया का टॉप बैट्समैन वर्ल्ड इलेवन में शामिल है, तमीम इकबाल, बेशुमार अच्छे खिलाड़ी, तो मैं समझता हूँ कि एज तो पाकिस्तान को हासिल है लेकिन वर्ल्ड इलेवन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उनकी सरजमीन पर बड़ा टफ टाइम दे सकते। बिल्कुल जी। अच्छा मिर्जा साहब, अभी आप कह रहे हैं कि होम ग्राउंड में खेलेंगे तो डेफिनेटली इस चीज का एज जो है वो हमारी टीम को होगा, लेकिन इस वक्त लोगों के जहनों में ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि क्रिकेट की बहाली सिर्फ होम ग्राउंड है लाहौर तो नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही है, सिर्फ ये बहाली पाकिस्तान में हो रही है या लाहौर में, दीगर शहरों में आप क्या समझते हैं मैचेस होंगे आगे? ये आपने बड़ा मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन किया, क्योंकि लाहौर मानते हैं, सब मानते हैं पाकिस्तान का दिल है और लाहौर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाहौर ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दीगर शहर भी हैं। कराची में आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी हद तक बेहतर करने में कामयाब हुई है रेंजर्स, हुकूमत का भी दावा है, तो क्यों नहीं कराची में मैच कराए गए? कराची में तो खुदा ना खास्ता गुज़िश्ता 1-2 बरस से कोई ऐसा बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, काफी हद तक रेंजर्स, सिंध पुलिस सब चीजों को अपने कंट्रोल में ले चुकी है, लेकिन ये बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब सोचना चाहिए। फिर कराची के अलावा रावलपिंडी का भी नाम लूंगा, वहां के शायद क्रिकेट को क्यों आप जो है टाइप कर रहे हैं, मुल्तान जो है वहां इतना खूबसूरत स्टेडियम है, फैसलाबाद में स्टेडियम है, वहां के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, पिशावर में मैदान है, तो वहां क्यों नहीं मैचेस कराए जा रहे, हैदराबाद में भी कराया जा सकता था मैच, लेकिन ये सब जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली का हिस्सा है मेरी राय में। और लाइटर नोट में समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर लाहौर में वाक है और सारे अफसरान लाहौर में रहते हैं, तो शायद ठंडे कमरों में अपनी फैमिली के साथ बैठकर मैच से महदूद होना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने सारी तवज्जो लाहौर पर मरकूज की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हमारे शो पे आया हुसैनी आए थे तो वो भी यही कह रहे थे कि ये तो पीसीबी को हिकमत अमली बनानी चाहिए कि मैचेस जो है वो तमाम शहरों में कराए जाए, और साथ साथ वजीर आला सिंध ने भी जो है नजम सेठी से कहा है कि टीम को कराची का दौरा कराया जाए, जिसपे उन्होंने थोड़ी सी हामी भर ली, अब लेट्स सी कि टीम कब कराची का दौरा करेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर ग्रीन शर्ट्स की बात की जाए तो ग्रीन शर्ट्स का ये पहला मैच है जो होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरीके से इन्होंने सिचुएशन हैंडल की थी और जिस तरीके से जीता था, इस मैच पर असरात नजर आएंगे? देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जो था वो डिफरेंट फॉर्मेट था, वो 50 ओवर की क्रिकेट थी और पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी हासिल की, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तानी टीम में जो शामिल बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली मर्तबा अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने कोई इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड इलेवन और पाकिस्तान के मैचों को इंटरनेशनल मैचों का दर्जा दिया है, इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो खिलाड़ियों के खाते में जाएगा। लेकिन अगर आप देखें जो फखर जमान, उसके अलावा बाबर आजम, हसन अली, शादाब खान, रुबान रईस, ये सारे खिलाड़ी पहली मरतबा पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी इंटरनेशनल मैच में एक्शन में नजर आएंगे। सरफराज अहमद पहली मरतबा कप्तानी करेंगे, अगरचे वो पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में खेल चुके हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तानी यंगस्टर्स बड़े एक्साइटेड भी हैं लेकिन उन पर दबाव भी है अपने होम क्राउड के सामने, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद तो लोगों की तवक्कात बहुत बढ़ गई है। जैसा हमारा क्राउड है ना मिर्जा साहब, दबाव तो पड़ता ही है हर बार। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और अपने इतनी जबरदस्त बातचीत की और तजिया दिया है कि हमारे जो जितने भी नए प्लेयर्स हैं वो होम ग्राउंड में पहली दफा खेलने जा रहे हैं, और लेट सी कि अब कौन सा हमारा जो प्लेयर है वो इस प्रेशर को हैंडल करता है और नारों की गूंज में छक्के चौके मारता है। गुड मॉर्निंग आज में, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब हम बात कर रहे हैं आज के दिन यानी 12 सितंबर 1910 में अमेरिका में पहली बार एक खातून पुलिस में शामिल हुई थी।
एलिस स्टेबनवेल्स वो पहली खातून थीं जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में पहली फीमेल कॉप की हैसियत से शामिल हुई थीं। एलिस एक शादीशुदा खातून थीं जिन्होंने ओबर्लिन कॉलेज से ग्रेजुएट किया था। शहर में बढ़ती हुई खवातीन डेमोन्स्ट्रेटर की तादाद और मुख्तलिफ मौाकों पर खवातीन के एहतजाज को रोकना मेल कॉप्स की दस्तरस से बाहर हो रहा था। एलिस ने फीमेल कॉप की अशद जरूरत के पेश नजर लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट के नाम दरख्वास्त भेजी जो कबूल कर ली गई। बाद में एलिस इंटरनेशनल पुलिस वुमेन एसोसिएशन की फाउंडर भी करार पाई। एलिस ने अमेरिका और कनाडा के मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए जिसमें इन्होंने खवातीन को पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए प्रमोट भी किया। और अब कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया की, जहां सराहा और लूडो स्टार जैसे एप्स मौजूद हैं, वहीं आजकल ब्लू व्हेल का भी बहुत चर्चा है। आखिर ये ब्लू व्हेल है क्या? कुछ लोग तो इसे एक खौफ की अलामत समझ रहे हैं, बहुत से लोग इससे खौफजदा भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि सर्फिंग से मालूम होता है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ब्लू व्हेल से खौफजदा होने के बजाय इससे मुतालिक फनी पोस्ट कर रही हैं। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो। इन्हीं फनी पोस्ट पर तो आगे चलकर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लू व्हेल की हकीकत क्या है, ये इंटरनेट सार्फीन के लिए कितना नुकसानदेह है और क्या वाकई इस गेम को खेलने से इंसानी जान को खतरा होता है या नहीं। क्योंकि जिस तरह इस गेम में टास्क दिए जाते हैं इससे तो बज़ाहिर लगता है कि इंसान का बचना बिल्कुल मुश्किल है, और इस तरह की कई खबरें कुछ दिनों से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। अहम बात यह है यहाँ पर कि इंटरनेट पर ब्लू व्हेल गेम के नाम से सर्च करने पर कोई लिंक भी सामने नजर नहीं आता है। इन सब बातों पर बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये ब्लू व्हेल गेम या इसका लिंक पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद है सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी साहब, जिनकी सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट पर गहरी नजर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कमाल साहब, ब्लू व्हेल बहुत कॉमन आजकल हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन कॉमन सिर्फ सुनाई ही दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है ये? पाकिस्तान में एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं? एक्चुअली फिजिकली तो कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है ब्लू व्हेल, जिसको आप टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में जब फिजिकली उन चीजों को कहते हैं जिनकी कोई एप्लीकेशन आपके फोन पे एक्सेस दें, डाउनलोड करें या कोई लिंक मौजूद हो। ये ब्लू व्हेल टोटली एक ग्रुप नेटवर्क है जहाँ पे आप ग्रुप्स में जब इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आपसे ये कोई पर्टिकुलर लिंक या एक नंबर शेयर किया जाता है जो व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में होता है या व्हाट्सएप इंडिविजुअल चैट की शक्ल में होता है। वहाँ पे आपसे जो क्रिएटर होता है इस ग्रुप का या इस टास्क का, वो आपको चैलेंजेस दे रहा होता है, मल्टीपल चैलेंजेस, मोर देन 50 के करीब चैलेंजेस होते हैं जो डिफरेंट डेज पे और डिफरेंट वेन्यूज पे वो आपको देता है, जिसमें वो स्टार्ट देता है हॉरर मूवीज़ को देखने से कि आप हॉरर मूवीज़ देखें, उस हॉरर मूवी देखने के बाद रात को हॉरर मूवी देखें, हॉरर मूवी देखने के बाद वो सेल्फी पोस्ट करें, उसके बाद क्या आपके एक्सप्रेशन होते हैं, फिर अपने आप को किसी तरीके से हर्ट करें, फिर इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट टास्क आते हैं आपके, 50 टास्क जब आप कंप्लीट होते हैं लास्ट टास्क उसका होता है सुसाइड। इस गेम को और डिफरेंट नाम की भी आती है, एक होता है रियलिटी होम, रियल होम, वेकअप एट 420, वेकअप एट 420 के लिंक से भी ये मशहूर है ये गेम। और यहाँ पे क्या होता है कि अपने जो आप मूवीज देख रहे होते हैं, जो टास्क होते हैं, उसमें आपके पास लाजमी होता है कि 420 पे वो उठा के आपको और एक सेल्फी लेता है और आपसे कहता है आप एच पे वॉक करें, बिल्डिंग के एचिस पे वॉक करें। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था रशिया से। रशिया में हमने देखा कि मोर देन 100 डेथ हुई हैं, सुसाइड्स कमिट हुए हैं, और कोई इसकी एविडेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं थी कि बाकी में ये हुआ या नहीं हुआ, या फिर इस गेम को ये फरोग देने के लिए या इस गेम की मार्केटिंग के लिए ये टैक्टिक यूज़ की जा रही है कि 100 से ज़्यादा लोग इसमें सुसाइड किए। हमने रिसेंटली अभी वीडियोज़ देखी कि दो लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं और वो लड़कियाँ बिल्डिंग की एज पर आके वॉक करती हैं, फिर गिर रही होती हैं वहाँ वन बाय वन। तो इस तरीके से काफ़ी वीडियोस आई हैं रिसेंटली। अभी इंडिया में इस किस्म का एक इंसिडेंट हुआ कि 14 साल के लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट की और वो मर गया उसमें। फिर उसके बाद एक लड़की ने किया कि जिसने अपने हाथ पे एक ब्लू व्हेल बनाई और फिर उसके बाद वो किसी तरीके से बच गई। हॉस्पिटल में उसने एक इंटरव्यू दिया मास्क पहन के और उसने बताया कि किस तरीके से वो ब्लू व्हेल में इन्वॉल्व हुई थी, कैसे लोगों ने इन्विटेशन उसको भेजा। फिर चैट पर होता यह है कि चैट के बाद वो जब नंबर आपसे शेयर होता है तो वो इंटेंशली आपको इतना वीक कर देता है कि आपके सेंसेस काम नहीं कर रहे होते उस पर्टिकुलर गेम में। आप जब 4 बजे उठ रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप
आपकी ब्रेन को वो रेस्टिंग पीरियड नहीं मिल रहा जहाँ पे आप सोच रहे होते हैं कि आपने दिन में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया. तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों इंटरनेट के वो यूटिलाइज कर रहा है जो गेम ओनर है. उसने कुछ नहीं किया, उसने सिंपली ये किया कि आपके आपके जो इंटरनेट सेवी हैं जिनको पता है कि सिर्फ वो स्क्रीन ही उनके लिए जिंदगी है, स्क्रीन ही उनके लिए दुनिया है, वो विंडो उस विंडो से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, उस विंडो से उसने कोशिश की कि किसी तरीके से उनके ब्रेन को मॉनिटर किया जाए, हिप्नोटाइज किया जाए. और वो हिप्नोटाइजेशन जी अच्छा अच्छा बिल्कुल डेफिनेटली आप बात कर रहे हैं, आपने रशिया के हवाले से बात की कि वहाँ पर एविडेंस नहीं मिले लेकिन खुदकुशियाँ हुई हैं. तो हमारे वो तमाम नाजरीन, हमारे वो तमाम व्यूवर्स जो कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा तसव्वुफ़ का शिकार हैं कि भाई ब्लू व्हेल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस गेम की हकीकत क्या है, तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट होने के नाते डेफिनेटली जब आपको इस गेम के बारे में पता चला होगा तो आपने इस गेम को क्या सर्च किया, या आपको भी यही लगता है नहीं जी ये अफवाह है? जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बिल्कुल कोई गेम ऐसा नहीं है जो हम गूगल पे सर्च कर लें या कहीं किसी सर्च इंजन पे सर्च कर लें. इस गेम के बारे में ऑलरेडी इतनी गवर्नमेंट्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने प्रिकॉशंस लिए कि उन्होंने लिटरली लेटर लिखे हैं गूगल को, डिफरेंट सर्च इंजन को, कि इस किस्म के जितने भी लिंक्स या कीवर्ड्स हैं उनको बैन किया. अगर आप पाकिस्तान में अगर सर्च भी करेंगे तो सर्च करने के बावजूद आपको ब्लू व्हेल जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी. कमाल, जितना हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के दरमियान ये बात मशहूर हो चुकी है, तो लोगों ने तो बाकायदा तौर पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है और लोग सर्च करना शुरू कर दिया डिफरेंट वेबसाइट्स पे कि हमें कहीं ब्लू व्हेल मिल जाए. क्या समझते हैं आप इस तरह की गेम्स जो कि सुसाइडल गेम्स हैं, इनका मजाक उड़ाना और इनको इतना ज्यादा फैलाना सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्या समझते हैं सब पर कि क्या होना चाहिए? देखिए, इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं बिल्कुल, और हर किस्म की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे स्प्रेड आउट होती है. यहाँ पे इशू ये है हमारे पाकिस्तान में कि इंटरनेट आ गया लेकिन इंटरनेट की अवेयरनेस हमारे गार्जियंस को नहीं है, कि बच्चे जो हमारे 63% यूथ है, पॉपुलेशन है, वो इंटरनेट तो सेवी है, इंटरनेट के बारे में पता है, स्मार्टफोन एक्सेस है उनके पास, इंटरनेट भी उसमें है मौजूद, 24 घंटे चैट कर रहे होते हैं, फेसबुक पे ऑनलाइन रहते हैं, ट्विटर देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो पॉजिटिव वे में इंटरनेट को यूज कर रहे हैं या नेगेटिव वे में इंटरनेट यूज कर रहे हैं. जब तक हमारे पास चेक एंड बैलेंस नहीं होगा हमारे गार्जियन की तरफ से, जब तक कि हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को जो है सही पॉजिटिव वे में इंटरनेट की यूजेज नहीं सिखा सकते. हमारे यहाँ हर चीज हम थोप देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ये लिंक बैन करे, गवर्नमेंट ये चीज बैन करे, गवर्नमेंट हर चीज बैन कर देती है. दुनिया में एक फैक्ट है, वो है प्रॉक्सी. आप दुनिया में हर चीज ओपन कर सकते हैं प्रॉक्सी को यूज करते हुए, तो कितनी चीजें गवर्नमेंट बैन करे. यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एक बार तो फेसबुक बैन किया था, उन्होंने प्रॉक्सी बैन किया था, यूट्यूब बैन हो चुका है, पाकिस्तान बैन हो गया, फिर उसकी प्रॉक्सी है आप डालें और फिर उसको स्टार्ट कर दें. अच्छा, इसी हवाले से हमारे पास ट्विटर की कुछ ट्वीट्स हैं. ट्विटर पे लोगों ने बड़ी मजे मजे की ट्वीट्स किए हैं, आपको सुनवाते हैं. और इसमें जो सबसे पहली ट्वीट है वो अनम आप बिल्कुल नाम सभा का यूज हुआ था ना ट्विटर पे. एक साथ ने लिखा है कि माय फर्स्ट ब्लू व्हेल चैलेंज ये था कि सभा बनकर 50 रुपए का लोड मंगवाए. ओहो, सो सैड, ये किसने मेरा नाम यूज किया है. हाँ अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और एक ट्विटर पर एक साहब ने लिखा है कि माय फर्स्ट ब्लू व्हेल चैलेंज, और उनका चैलेंज जो है वो ये है कि मेरी फुप्पो ने ब्लू व्हेल गेम डाउनलोड करके खेलना शुरू किया तो यकीन माने कि ब्लू व्हेल के मालिक ने ही खुदकुशी कर ली. वाजी, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ब्लू व्हेल का मजाक उड़ा रहे हैं कि फुप्पो का, क्योंकि ये फुप्पो वाला ट्रेंड भी आजकल बड़ा कॉमन हुआ था. वेल, दिस इज वेरी सैड. और जनाब, एक पोस्ट ये भी थी जो कि बहुत ज्यादा देखी गई है, उसमें लिखा है कि शोहर ने खामोशी से अपनी बेगम के मोबाइल में ब्लू व्हेल गेम डाउनलोड किया और 50 दिन बाद उनकी वाइफ ने ही खुदकुशी कर ली. क्या बात है जी. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और मरहबा सैयद ने जो है वो सैयदा ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें इन्होंने कहा है कि जिसमें लड़का लड़की से पूछता है कि मुझसे शादी करोगी, तो जवाब में लड़की ने कहा कि पहले ब्लू व्हेल के सारे चैलेंजेस मुकम्मल करो. पाकिस्तानियों, किस किस तरीके के चैलेंजेस दे रहे हो. खुदा का खौफ करे जनाब. उमैर नामी शख्स ने भी एक पिक्चर जो है वो शेयर किया है जिसमें ब्लू व्हेल का पहला टास्क ये है कि पहले सराहा को इंस्टॉल करें और डायरेक्ट बात करें. अरे जनाब, अनइंस्टॉल करने का कह दी, ये भी बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है. हाँ, अच्छा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इस तरह का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है. हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्तलिफ पिक्चर्स और ब्लू व्हेल गेम का मजाक बनाया गया. इस तरह की कई पोस्ट हैं जिनमें पाकिस्तानियों ने इस गेम का बहुत मजाक उड़ाया है. तो जनाब, एक बात तो साबित हो गई इन ट्वीट से और तमाम चीजों से कि हम बड़ी जो है बहादुर कौम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी गेम आ जाए, हम जो है उस गेम का बिल्कुल ऐसा मजाक बनाते हैं कि वो पूरी दुनिया में जो लोग खौफजदा हो रहे हैं वो पाकिस्तानियों को देख के हिम्मत पकड़ेंगे. और This
इज वेरी सैड, क्योंकि ऐसी गेम जो कि लोगों की जान ले रही है, आप उस चीज का मजाक बना रहे हैं. और सबसे अहम और बड़ी बात ये कि ये चीजें एक तरफ जो बैन होनी चाहिए, हम सोशल मीडिया के थ्रू उन्हीं को ही मजीद प्रमोट कर रहे हैं. अगेन वही चीज कि जिस चीज की हाइप होती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं मजाक की शक्ल में. हकीकत नहीं है, हकीकत की शक्ल में मौजूद नहीं है, लोगों को नजर नहीं आ रही, तो जो चीज खबर नजर आ रही है उस खबर का मजाक उड़ाया जा रहा है. क्योंकि हमारे पास उसका एक्सेस मौजूद नहीं है. अगर एक्सेस होता तो डेफिनेटली हमारे यहाँ ऐसे टैलेंट मौजूद है कि उस चीज को ब्लू व्हेल की जगह शार्क टैंक को ये स्टार्ट करके और अपने उस ब्लू व्हेल को उसी शार्क टैंक में मार देते. अच्छा, अभी कमाल एक दो गेम्स में देख रही थी कि जो मजीद अब इसके बाद सामने आ रही है, और क्योंकि एक चीज चली है तो उसके बाद एक लड़ी चलना शुरू हो गई की जी ये भी गेम है, ये भी गेम है, तो ये तो मजीद आप प्रमोट करें. अच्छा, एक गेम में देख रही थी कि वो आई है सॉल्ट एंड आइस चैलेंज, उसमें भी हम देख रहे हैं. उसके अलावा फिर एक और मैंने गेम देखी है कि आप किसी का गला दबाएं तब तक जब तक आपका सांस नहीं रुक जाता. मतलब क्या गेम्स है, कौन है इनके डेवलपर्स, कौन इनको बनाते हैं? ये वो डेवलपर्स हैं जो कि मेंटली तौर पे सिख हैं, जिनको इस बकायदा ब्लू व्हेल के डेवलपर को रशिया में जेल हुई है, नफ्सियाती करार दिया गया. और उसके बावजूद जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि उसकी जो तरबियत हुई थी घर में, उसकी माँ बाप और भाइयों ने उसको मारा था. उसकी बचपन में से लेके वो जवानी तक जब तक यूनिवर्सिटी नहीं गया तब तक उसको मारा गया है. और वो इतने मेंटली सिक था कि वो हर एक से चैलेंज देने की बात कर रहा था. ये समझता था कि वो तमाम लोग जो इंटरनेट पे बैठे हैं वो बायोलॉजिकल वेस्ट है. बायोलॉजिकल वेस्ट को वो यूटिलाइज कर रहा था कि उन लोगों को वो वेस्ट करके और इन दुनिया को उस वेस्ट से आजाद करना चाह रहा है या पाक करना चाह रहा है. तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट के जब लोग मौजूद होंगे तो वो इंटरनेट को नेगेटिविटी में यूज करेंगे. और वो हर तरीके से कोशिश करेंगे कि वो तमाम यूथ जो इंटरनेट को यूज कर रहा है पॉजिटिवली मैटर में या किसी एजुकेशन मैटर में या कहीं भी ऐसे मैटर में जहां पे वो समझता है कि वो उसके कैरियर के लिए ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस होगा, उनको जब साइडलाइन वो करते हैं ना, जब आप भी इंटरनेट पे बैठे होते हैं, जब बोर होते हैं तो गानों की तरफ या डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, गेम की तरफ जा रहे होते हैं, तो गेम के सेगमेंट को भी इतना करप्ट कर दें या इतना डर्टी कर दें कि लोग गेम्स की तरफ भी ना जाएं. और इस किस्म के मेंटली सिक लोग जो गेम्स डेवलप कर रहे हैं वो अपना फायदा अपना मफाद देखें और इंटरनेट को गंदा और मजीद गंदा करें. फिर अच्छा कमाल, डेफिनेटली आपने सही बात की कि इस तरीके के माइंडसेट के जो लोग हैं वो इस तरह की गेम डेवलप करते हैं. ह्यूमन साइकी भी है, चाहे किसी भी कंट्री की आवाम हो उसकी एक ह्यूमन साइकी है कि जी अगर जिसके बारे में ज्यादा आप हाईलाइट करते हैं, शोर मचता है, लोग उसके लिंक पे जानबूझ के भी जाते हैं, डर भी खत्म हो जाता है कि जी देख लेते हैं क्या होता है. उस केस में पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन दीगर ममालिक में काफी ज्यादा सुसाइड देखने में सामने आई है. ये बताइए कि इस तरह का अगर कोई लिंक, नॉट इंक्लूडिंग ब्लू व्हेल, कि ब्लू व्हेल तो जैसे कि बैन कर दिया गया यहाँ पे, उसका लिंक नहीं है, लेकिन इसी तरह का कोई और गेम पाकिस्तान से भी कोई बनाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो लोगों को इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह का कोई गेम फेसबुक पे या सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डाला जाता है, तो इस तरह के लिंक्स को आप कैसे जज कर सकते हैं, कैसे आप दूर रहें इस तरह के लिंक से जो किसी भी तरीके से आपकी फेसबुक हैकिंग या आपका पर्सनल प्रोफाइल डेटा या सारी चीज़ों को हैक करने में कामयाब हो जाते हैं और ब्लैकमेल? आप जब भी कोई चीज़ डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं तो प्राइवेसी ये कॉपीराइट एग्रीमेंट करवाता है एक पूरा, जिसको आप आई एग्री का बटन क्लिक करके बगैर पड़े आई एग्री का बटन सबमिट करवा देते हैं. इसमें इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ऐसा गेम जो आप समझते हैं कि इसका कोई टेस्टिमोनियल मौजूद नहीं है या इसका कोई रेटिंग मौजूद नहीं है या बैकग्राउंड मौजूद नहीं है, आप जरूर पढ़ें उसकी कॉपी कंटेंट कि क्या वो एग्रीमेंट आपसे साइन करवा रहा है. हर एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है आपके डाटा को अगर आपने उसमें एग्रीमेंट का आई एग्री एक्सेप्ट किया है उसमें, क्योंकि वो आप जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने अपने फोन का एक्सेस दे रहे होते हैं, वो डाटा भी एक्सेस कर रही होती है, गैलरी भी एक्सेस कर रही होती है, कॉन्टेंट भी कॉन्टेक्ट भी एक्सेस कर रही होती है. तो लाजमी आप जो भी चीज इंस्टॉल करें पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लें कि उसकी वाकई में ऐप स्टोर पे या आई स्टोर पे उसकी कोई टेस्टिमोनियल मौजूद है, रेटिंग क्या है उसकी. जब रेटिंग उसकी मौजूद होगी आपको पता हो जाएगा कि वो टॉप 10 रेटिंग में है या उस पर्टिकुलर कैटेगरी में काम हो रहा है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कमाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इस सफर बात करने के लिए बड़ा शुक्रिया. और लोगों के जहनों में डेफिनेटली ये गुमान आ रहा होगा कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया, अगर इस चीज को हमने प्रमोट नहीं करना, तो जनाब आप लोगों की रहनुमाई के लिए, उन पेरेंट्स को बताने के लिए आज का टॉपिक चूज किया गया है कि अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, वो
क्या चीज डाउनलोड कर रहे हैं, क्या चीज डाउनलोड नहीं कर रहे, किस चीज पर खेल रहे हैं, इन तमाम चीजों पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसकी प्राइवेसी और उसकी सेटिंग और उसकी रेटिंग्स का जरूर ख्याल रखें। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको अहम खबर से आगाह करते हैं जो कि रावलपिंडी से है। रावलपिंडी में चक्री इंटरचेंज के करीब वैन और ट्रेलर में तसादुम के बायस वैन में आग भड़क उठी है। हादसे में 5 अफराद जहां बहक, आतिशजदगी के बायस 6 झुलस गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकई है चक्री इंटरचेंज के ऊपर। पेशा जहाँ पे एक मुसाफर हाई है जो की जंग से आ रही थी रावलपिंडी, इसका एक ट्रालर के साथ तसादम हुआ और इस तसादम के बाद जो हाईएस वैन थी इसके अंदर आग लगी और तकरीबन 5 मुसाफिर जो है वो मौके के ऊपर जहाँ भाग हुए और 6 इसके अंदर झुलस गए थे, जिनको पीस हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया गया। और हादसा इस कदर शदीद था और आग इस कदर शदीद थी कि उसको बहुत देर के बाद जो है बुझाया जा सका, जिसकी वजह से जो 5 मुसाफिर जहाँ भाग हुए हैं उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। और मकामी जो पुलिस थी और मकामी आबादी थी, उन्होंने मिलकर इस आग पर काबू पाया, जिसके बाद 6 जो जख्मी थे उनको पीम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और जो डेड बॉडी थी उनको भी पीम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया शकील तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो जनाब, ये खबर की तफसीलात जो है वो आगे आने वाले बुलेटिन में भी आपको देंगे। यहाँ पर शो का वक्त हुआ है खत्म। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।